फ्रेंड वर्षा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल की इडली। देखिए कितनी लाजवाब, एकदम जालीदार, खाने में बेमिसाल और गुणों की खानी है इडली। अगर आप बनाएंगे ना तो उंगलियां चढ़ते रह जाएंगे और वर्षा को जरूर याद करेंगे। अगर आपको ये इडली बनानी सीखनी है तो चलो चलते हैं वर्षा की रसोई में। चने की दाल से इडली बनाने के लिए हमने एक कप सूजी लिया है और एक कप चने की दाल ली है, जिसे मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब ये भीग गई है और ये देखिए नखून से टूट रही है। बस जितनी चने की दाल लेनी है उतनी ही सूजी लेनी है और इसको भिगो देना है। अब इस दाल को मैं मिक्सी में पीस लूंगी और सूजी के साथ इसको मिला दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, चने की दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम सूजी और चने की दाल को आपस में मिला देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी चने की दाल पतली भी हो गई है, क्योंकि जो सूजी है ना ये काफी पानी सोख लेती है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा दही या दही का पानी। देखिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा दही का पानी डालते जाएंगे और थोड़ा सा दही भी डाल देंगे और इसका एक ऐसा घोल बना लेंगे जैसे कि पकौड़ों का बेसन का घोल होता है ना, इतनी कंसिस्टेंसी का घोल बनाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स ये घोल बन गया है हमारा। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको देखते हैं। और ये बैटर देखिए कितना गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी ने सारा पानी पी लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको थोड़ा सा हम पतला कर देंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी पकौड़ों के घोल के जैसी रहे। ये देखिए इस तरह हम इसको, देखिए मैंने इसको पानी डाल दिया है और ये इतना पतला हो गया है। इसमें करीब आधा कप मैंने दही डाला था और करीब आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डल चुका है अब तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पैकेट इनो, जो इनो नॉर्मल हम पैकेट लेते हैं वो एक पैकेट इनो इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, ये देखिए इसमें मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से थोड़ा सा पानी ताकि ये इनो फूल जाए। ये देखिए इनो फूलने लगा है। अब हम इसको हल्के से फोल्ड कर देंगे आटे को, ज़्यादा इसको घुमाना नहीं है, बस इसको हल्के से फोल्ड कर लेना है। बस ये हो गया, इनो सारे में मिल चुका है। अब हम सारे सांचों को ग्रीस कर लिया है और एक पतीला लेकर, अगर आपके पास स्टीमर हो तो ठीक है, नहीं तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए, आधा गिलास पानी डालिए और इसमें रख दीजिए कोई भी स्टैंड ताकि हम इस पे इडली के सांचे रख सकें। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप सारा घोल इस इडली के सांचों में ऑयलिंग करके पहले सांचों को अच्छे से ग्रीस करिए उसमें डाल दीजिए। और अगर आपके पास इस तरह के सांचे ना हो ना तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप इस तरह कटोरियों में भी ये बना सकते हैं। कटोरियों को वैसे ही ग्रीस करिए, थोड़ा सा तेल या घी का हाथ लगाइए और ये घोल डाल दीजिए। और आप, मैंने जैसे ये पतीले में सांचे रखने शुरू करे हैं, इसी तरह आप सांचे कटोरी जो भी रखना चाहें इसको इस तरह रखिए और इसको कम से कम 10 मिनट तक स्टीम होने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह मैंने इसमें सारे सांचे और कटोरियां सब रख दी हैं इसी पतीले में। और अब मैं इसको भिगोने को कवर कर दूंगी एक बड़ी परात से ताकि स्टीम इसी के अंदर ही रहेगी। और इसको मैं पकने दूंगी मीडियम आंच पर करीब करीब 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद हम इसको खोलकर देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको खोलकर देखेंगे कि क्या हमारी इडली तैयार हो गई है। आहा, ये तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए बिल्कुल साफ चक्कू निकल रहा है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें से इडलियां इस तरह बड़ी आसानी से निकल जाती हैं और ये देख सकते हैं आप कितनी फ्लफी और जालीदार इडलियां बनी है। बहुत गर्म है और कटोरियों में भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया इडलियां बनी है। ये देखिए देख सकते हैं आप, जाली देखिए कितनी शानदार जाली आई है और एकदम फ्लफी है, बहुत ज्यादा जालीदार और बिल्कुल स्पंजी चने की दाल की इडलियां बनी है ये। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। छौंक के लिए मैं बर्तन गर्म कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नारियल का तेल या देसी घी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। 1 चम्मच घी डालेंगे हम और इसको गर्म करेंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मोटी राई, थोड़ा सा हींग डाल देंगे हम इसमें और हरी मिर्च डाल देंगे। जैसे ही राई क्रैकल होने लगती है हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। देखिए राई क्रैकल होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ये पानी डाल दिया हमने
अब इसमें डाल दूंगी मैं जरा सी चीनी, ये एक चम्मच चीनी है जो मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम इसमें और बस हम गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ये नींबू का रस, ये एक नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है, और ये हम अपनी इडलियों पर डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारा टेस्ट आ जाएगा। ला 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 ला। और ये हमारी चने की दाल की इडली पूरी तरह तैयार है, सॉफ्ट जालीदार, खाने में बहुत ही टेस्टी, क्योंकि इसमें चने की दाल है तो इसका टेस्ट आम इडली से बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। हेल्दी तो ये होने ही वाली है क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी है और सारे ही मिनरल्स हैं, क्योंकि हम इसको सांभर के साथ जरूर बनाएं और खाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आप करेंगे ही। जल्द मिलते हैं वर्षा की रसोई में।